ब्रह्मा शंकर नारद इनके जीवन में भी दिखाया, ये भी माया में फंस गए। ये इतने बड़े बड़े व्यक्ति, लेकिन हम कैसे ये माया से दूर रह पाएंगे? जब श्री संतों का आशीर्वाद होगी, वैष्णवों का कृपा होगी, तभी ये माया से हम पार हो सकते हैं। इसलिए भजन में गाते हैं जितने सारे वैष्णव को उर्ध्वा परिबंध सवार चरण, उर्ध्वा मतलब हाथ उठा करके, हाथ उठा करके जैसे हम प्रणाम करते हैं, उठा करके ऐसे सब भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। बोले भैया क्यों करते हो? बोले ये सब के सब पतित पावन। बोले पतित पावन का मतलब क्या? बोले जो गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर में जल्दी जल्दी कृपा कर रहे हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, बड़े दयालु बड़े कृपालु। श्री चैतन्य महाप्रभु बड़ी दयालु बड़े कृपालु मिले, तो बड़े बड़े पापियों को उन्होंने उद्धार किया, बड़े बड़े पापियों को। इसलिए ये बड़े बड़े पापी तापियों को उन्होंने उद्धार किया। यहाँ तक भी जैसे कृष्ण कोई अगर थोड़ी गलती फलती किया ना चक्र उठा लिया, राम कोई उल्टा पुल्टा किया तो धनुष उठा लिया, लेकिन जो महाप्रभु है उनको सर फोड़ दिए। नित्यानंद प्रभु का दो पियर कड़ थे, उनकी सर भी फोड़ दिए, लेकिन वो इतने दयालु। बोले भैया भले ही तुम मेरे को मारा मारा, लेकिन एक बार ठाकुर का नाम ले लो, भले तुमने मेरे को बारा जो कुछ किया, लेकिन एक बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, एक बार ठाकुर का नाम को तुले, मतलब इतने दयालु हुए जो मार खा करके भी दूसरों को प्रेम देते हैं, भक्ति देते हैं। इसलिए कहते महाप्रभु का जितना गण है, बोले उनका जितने सारे भक्त लोग हैं, बड़े दयालु हैं, सबके से बड़े कृपालु हैं, हाँ इसे बड़े कृपालु। इसलिए कहते ये कोई दोष नहीं देखते हैं, केवल हमारी गुण को ही ये देखते हैं। इसलिए कहते ताई लोग मुही पापी लय नुसरण, वो कह रहे हैं हमें पता है हमारे अंदर में कुछ गुण है नहीं, दया कब करते हैं? किसके अंदर में कुछ गुण देखते हैं तो हम दया करते हैं ना। कहते हमारे अंदर में तो गुण, हम तो पापी ही पापी है, लेकिन हमें सुना है आप बड़े बड़े पापियों को भी आपने उद्धार किया है, इसलिए इसी लोभ से हम आपके शरण में आए। हमारे अंदर में तो कोई कोई गुण है नहीं, आप बिना गुण देखे हुए हमारे ऊपर में आप आशीर्वाद कर दो, हमारे ऊपर में आप कृपा कर दो। इसलिए ये जो भजन है, ये भजन खाली केवल वैष्णव का नाम लेकर, संतों का नाम को ले लेकर के, जहाँ पर ये संत लोग जन्म हुए सभी के चरण में, ये सबके सब संत के चरण में प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना सवेरे जैसे नहा धो करके, सवेरे नहा धो करके ठाकुर का समय पास में बैठ हुई बंगला कीर्तन तो है, लेकिन धीरे 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 अब जो बोलने लग जाएंगे ना, पर धीरे धीरे आपके समझो भी धीरे धीरे आने लग जाएंगे, क्योंकि जो बंगला पद में बड़ा रस पद है, बड़ी अच्छी अच्छी पद उसके अंदर में, बड़ी भावनात्मक इसमें पद है, क्योंकि ये पद को बड़े बड़े ऋषि के संतों ने लिखा है। अपना हृदय के उद्गार को निकालें, अगर इसको कोई गाएगा ना रोज, ठाकुर जरूर कृपा करेंगे। बोले क्यों कृपा करेंगे? बोले वो भजन कौन गा रहे हैं? बोले संत लोग गा रहे हैं। अगर हम प्रार्थना करें ना, हमारी प्रार्थना ठाकुर नहीं सुनेंगे, लेकिन संतों का प्रार्थना सुनेंगे, संतों का प्रार्थना ठाकुर सुनेंगे। इसलिए हम जो कोई संतों के पद को गाते हैं, हम नहीं गा रहे हैं, वो संत लोग गा रहे हैं, हम उसको पीछे पीछे दोहार रहे हैं, केवल पीछे पीछे हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन गाने वाले तो संत लोग हैं। इसलिए ये पद को ठाकुर जी बड़ी जल्दी सुनते हैं, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करना ये जो भजन गाते हैं, अपना घर में भी नहा धो करके अपना घर में भी ये भजन को क्या करना, ठीक है। अभी हम एक भजन गाते हैं, ये भजन है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनकी जो संत लोग हैं। कहते महाप्रभु कौन है? कहते राधा कृष्ण दोनों मिलकर के एक रूप है। बोले नित्यानंद प्रभु कौन है? कहते श्री बलदेव प्रभु। बोले श्री गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। अद्वैत आचार्य कौन है? सदाशिव। श्रीवास कौन है? बोले नारद। सब इनका नाम को लेकर के, महाप्रभु का सारे भक्तों को नाम लेकर के सबके इसमें प्रणाम कर रहे हैं, सबका नाम को ले रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु क्या
भावना इसके अंदर है। देखो कितने बढ़िया बात कहते हैं, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करम, हे चैतन्य महाप्रभु आप मेरे ऊपर में कृपा करो। बोले क्यों? बोले तुम्हारा बिना के दयालु जगत संसार, आप जैसे दयालु जगत में कौन हो? बोले आप जगत में क्यों आए हो? बोले पतितों को उद्धार करने के लिए। अरे मेरे जैसे कोई पापी होगा क्या? वो कह रहे हैं मेरे जैसे जगत में कोई पापी होगा? अब तो पापियों को उद्धार करने के लिए आए, जब पापियों को उद्धार नहीं करने के लिए आए फिर सबसे बड़ा पापी हूँ, इसलिए पहले मेरे को उद्धार कर लो। इसलिए मतलब इसमें कितने जो बंगला पद है ना, इस बड़े बड़े संत लोगों ने इस पद को लिखे हैं, इसलिए इसको गाने से आपका अगर ये चीज आप सही सही समझ रहे हैं ना, आपका हृदय प्रेम में गदगद हो जाएगा। इसलिए जो पीछे खड़े हैं ठाकुर देखो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पीछे है, हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, हर समय ना ये प्रेम में मतलब प्रेम में डूबे रहते हैं, हर समय प्रेम में ये डूबे रहते हैं। इसलिए बोले प्रेमानंद सुखी कृपा बलो करना कर आमी बड़ा दुखी। बोले प्रभु हम संसार में बड़ी दुखी है, आप मेरे ऊपर में कृपा करो। उन्होंने ही मार खा कर इनके सर फोड़ दिए, जगह माता सर फोड़ दिए। बोले भैया कोई बात नहीं, सर फोड़ दिया तो फोड़ दिया, लेकिन एक बार तो ठाकुर का नाम तो ले लें। बोले ये इतने दयालु हैं इतने, बोले हाँ अद्वैत श्री अद्वैत, बोले तब कृपा बल्ले पाई चैतन्य निताय। बोले ये अद्वैत आचार्य जो कौन है? बोले सदाशिव है, ये सदाशिव है। श्री चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ही आए और उन्होंने जगत का बड़ी दुर्दशा उन्होंने देखा, बड़ी दुर्दशा उन्होंने देखा कलयुग में। उन्होंने क्या देखा? सब के सब बकरी खा रहे हैं, सब मुर्गा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, भगवान की कोई नाम नहीं ले रहे हैं। अगर गीता रामायण अगर पढ़ते हैं ना, उसको लेकर आपस आपस में तर्क वितर्क लड़ाई करते हैं। अगर किसको पास में ज़्यादा पैसा, पैसा को वेस्ट कैसे करते हैं? कुत्ता कुत्तियों की शादी करा के एक कुत्ते को खिलाएगा दूसरे कुत्ती को खिलाएगा और दोनों को दुल्हा दुल्हन बना करके पालकी में बैठा करके हैं, इनकी हजार करोड़ रुपया इनको पीछे खर्चा करेंगे हैं, फिर बिल्ला बिल्ली इनकी शादी करवाते हैं और काली हैं देवी काली मैया का पूजा करेगा और बकरी बला वहाँ पर बलि देंगे, बकरी को बलि देंगे। इसलिए इन्होंने जब आए ये दुनिया का बड़ा दुर्दशा देखा, कोई भी किसी को मुंह में भगवान का नाम, किसी को राम राम कृष्ण कृष्ण किसी के मुंह में दिखने को नहीं मिलता। इन्होंने देख कर बड़े उनको दुख हुआ। बल्कि इनको दुख क्यों हुआ है? कारण क्या? बोले कारण है ये सदाशिव महाविष्णु। बोले महाविष्णु कौन है? बोले महाविष्णु हुए हैं ये दुनिया को जो सृष्टि करने वाले, जैसे पिताजी घर को बनाया, बच्चों को जन्म दिया, घर मकान बनाया। अगर पिताजी देखे पिताजी की मानी क्यों नहीं रहे? जिसने बनाया जिसका दुनिया जिसने सब कुछ किया वही पिता को ही आदर नहीं कर रहे, वो पिता की असन्मान है, पिता को ही नहीं मान रहे। जब पिताजी खुश होएंगे? बोले जिनके लिए मैंने जिंदगी दे रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, जिनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ यही हमें मान नहीं रहे, वो दुखी होंगे ना। अगर बच्चे अगर पिताजी के चरणों छुए, पिताजी के आदेश से पालन करे, पिताजी की सेवा अगर करे तो पिताजी खुश होते। बोले भैया बेटे जन्म दिया तो सार्थक होता है, बेटे हमारे बात सुनते। इसलिए दुनिया को बनाया भगवान ने, दुनिया ठाकुर जी के हैं। इसलिए जब ठाकुर जी ने देखा भैया दुनिया बनाया मैंने, दुनिया मेरा, लेकिन मेरे को ही नहीं मान रहे हैं, मेरे को ही नहीं मान रहे, ये तो बड़े उद्दंड है और सब के सब गलत रास्ता पर जा रहे, गंदे रास्ता पर जाते हैं। इसलिए उनको बड़ा दुख हुआ, दुखी होकर के उन्होंने, और उनको ये भी पता है जब तक जी ठाकुर जी की भक्ति नहीं करे तब तक सुखी नहीं रह सकते, सुखी तभी रहेगी जब भगवान के आशीर्वाद हो, उनकी भक्ति करेंगे। इसलिए उन्होंने देखा भैया क्या किया जाए, क्या किया जाए, जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति आए जो आकर के दुर्लभ प्रेम दे और सभी का हृदय को बदला दे। बोले अगर मेरे प्रभु स्वयं कृष्ण अगर आए
वही आकर के दुनिया को भक्ति दे करके ये दुनिया को ही बदला सकते हैं। उन्होंने देखा उनको बुलाने का सबसे सरल उपाय किया, उन्होंने सारे शास्त्र को ढूंढा, कोई सरल उपाय है जो उनको अवतीर्ण कराने का। शास्त्र ढूंढते ढूंढते उनको एक श्लोक मिला, वो श्लोक में लिखा हुआ था बोले तुलसी दल मात्रेण, बोले मतलब है अगर अपने गंगा पानी अपना अंजलि में एक गंगा पानी लो और उसमें एक तुलसी पत्ता दे करके ठाकुर जी को अर्पण कर दो। बोले ये गंगा पानी तुलसी में इतने शक्ति गंगा पानी, क्यों गंगा भगवान की चरणामृत, तुलसी भगवान की प्रिया है, तुलसी में भगवान सबसे ज्यादा तुलसी में संतुष्ट होते हैं, इसलिए अगर इतना अगर ठाकुर को कोई दे दो ना, भगवान उसकी इतने ऋणी बन जाते हैं, उसको ऋणी चुकाने के लिए ठाकुर जी अपना सर खुजला लेंगे। हम सब सर कब खुजलाते हैं, बहुत ज्यादा ऋणी जब बन जाए, बहुत ज्यादा जब हम ऋणी बन जाते हैं, अगर ऋणी को हम चुकाए कैसे, तब हम बैठक सर खुजलाते भैया इसका ऋणी हम चुकाए कैसे। मतलब तुलसी पत्ता और जल में गंगा पानी में भगवान इतने बीक जाते हैं, फिर तो भगवान सोचने लग जाते ऋणी कैसे चुकाए। तो उन्होंने गड्ढे में गंगा पानी और उसमें तुलसी पत्ता लिए और तुलसी पत्ता लेकर उन्होंने भगवान को उन्होंने पुकारा। भगवान को जब उन्होंने बुलाया, भगवान सो रहे थे गोलोक वृंदावन में सो रहे थे हैं, इतने में ठाकुर जी का आसन को उन्होंने हिला दिया, ठाकुर जी की आसन को उन्होंने हिला दिया, इसलिए उनका नाम पड़ेगा नाड़ा। नाड़ा मतलब होता है हिलाना है, इसलिए यहाँ कहते हैं दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाई चैतन्य नेता। अगर ये महापुरुष नहीं होते, श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हमें मिलते नहीं, इन्हीं कृपा से महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हमें मिले हैं। हा स्वरूप सहना करना भंकर साधु बन जाते हैं, लेकिन महाप्रभु का समय में ये जितने संत थे
इतने पैसा उनको उधार न दिया, इंद्र के बराबर जिनको घर में ऐश्वर्य था, इंद्र के बराबर। बोले की पत्नी कितने प्यारी थी, बोले जैसे स्वर्ग के अप्सरा जैसे, इतने सुंदर। लेकिन जब उनको कृष्ण भक्ति की चस्का लगी, ने सब छोड़ करके इतना भजन संत करते थे। जब राधा कुंड श्याम कुंड को बीच में बैठ करके भजन करते थे, राधा रानी उनके सर के ऊपर में अपना चुंदरी को लेकर ऐसे खड़े करते थे, राधा रानी उनको छाया कर सकती, ऐसे भजन करते थे संत। हाँ, ऐसे ये संत हो गए। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कभी कभी तो हम रिश्वत दे करके नौकरी करते हैं, लेकिन उन्होंने रिश्वत दे करके नौकरी छोड़ी। बोले कितना पैसा रिश्वत दिया हमको पता है? बोले 10,000 स्वर्ण मुद्रा, 10,000 अरब खरब रुपया। जब हम अभी प्राइम मिनिस्टर पद के लिए अभी कितना लड़ाई हो रहा है देख रहे ना, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? ममता बनेगी ना, मायावती बनेगी ना, अखिलेश बनेगी ना, मोदी बनेगी ना, जोगी बनेगी? अरे बड़े लड़ाई झगड़ा हो रहे भैया, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? लेकिन उसी समय उन्होंने प्राइम मिनिस्टर थे वो सनातन गोस्वामी, प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, छोटा भैया उन्होंने कोषाध्यक्ष थे सर, पैसा जिनके पास में रहता था हैं। लेकिन उन्होंने जब बोले हम नौकरी छोड़ देंगे, राजा जेल में बंद कर दिया। बोले क्यों? वो प्राइम मिनिस्टर पद को छोड़ना चाह रहे। बोले वृंदावन में जाऊँ, प्रभु की भजन में प्रेम में डूबे रहूँ, भक्ति में जो मस्ती है, भक्ति में जो आनंद दुनिया भर किसी चीज में नहीं आनंद है, इसलिए वो पद को छोड़ना चाह रहे थे। इसलिए राजा ने उनको जेल में बंद कर दिया। बोला अगर ये भाग जाएगा तो मेरा राज्य ठप हो जाएगा। देखो प्राइम मिनिस्टर पद को छोड़ने के लिए वो चाह रहे हैं, और राजा उसको जोर जबरदस्ती जेल में बंद किया, ये पद को छोड़े नहीं। और छोड़ने के लिए उसने क्या किया, जो जेल कीपर था ना, बोले तेरे को मैं 10,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ, तो इसको छोड़ दे, मेरे को जेल से खोल दे, क्योंकि एक दिन ये पद मैंने तेरे को दिया था, एक दिन तेरे उपकार किया था, अभी तू मेरे उपकार करो। 10,000 स्वर्ण मुद्रा दे करके उन्होंने जेल कीपर से छुटा और वृंदावन में भागे। वृंदावन में भाग करके आ गए और आकर के इतने भजन, इतने ही संत भजन किए। हम तो ठाकुर का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, ठाकुर उनको दर्शन करने आते थे, मतलब ठाकुर इनके दर्शन करने आते थे, इतने बड़े संत बने। ठाकुर जी को हम खाना खाते, ठाकुर को कुछ बोलते हैं, हमें कुछ बोलते नहीं। हाँ, कितना रोज रसमलाई लड्डी समोसा हर क्या क्या हम खिलाते हैं। हाँ, लेकिन ठाकुर देव हम बोलते हैं, ठाकुर जी को ये क्या खिलाते थे? बोले टिकिया, बगैर नमक के टिकिया आग में सेक करके, कोई नमक भी नहीं, उसको इस सेक करके ठाकुर को भोग लगा देते थे। दो एक दिन भोग लगाया, बोले देखो तू थोड़ा नमक सब्जी तो देता नहीं भैया, थोड़ा नमक तो दे दिया कर, बगैर नमक के गले से नीचे नहीं उतर रहा है, अरे थोड़ा नमक तो दो। ठाकुर जी को बोलते तो थोड़ा नमक दिया कर तू, वो क्या कहते हैं? बोले नंद बाबा का नल लाग गया था, तभी तेरा पेट नहीं भरता था, तभी तो चोरी चोरी करके खाता था घर में, है चोरी चोरी करके खाता था। भैया आज बोले थोड़ा नमक दो, फिर कल बोलोगे नहीं थोड़ा सब्जी दे दो, परसों बोलोगे भैया थोड़ा दूध भी दो, फिर बोलोगे थोड़ा राबड़ी भी दो, बोले थोड़ा मलाई दो। भैया मैं तो भीख मांग कर खाने वाले व्यक्ति, भजन करने वाले व्यक्ति, मैं कहाँ से लाऊं खाना? तो तू स्वयं संग्रह कर ले भैया, मेरे से नहीं बनेगा, अपने आप देख ले, हम नहीं कर सकते। ठाकुर जी को ऐसे बोलते थे, ठाकुर जी को साथ में ऐसे बात करते थे। हैं, एक दिन भूखे में बैठ करके भजन कर रहे, ठाकुर जी मिट्टी के पात्र में दूध लेकर के इनको ले आए। बोले बाबा तू भूखे हो, ले मेरे ब्रज में कभी भूखे नहीं रहते हैं, मेरे ब्रज में कोई भूखे नहीं रहते हैं, कोई तो ब्रजवास खिलाता, जिसको कोई नहीं खिलाता मैं ही खिलाता, ले बाबा दूध पियो। उनको दूध दे कर गए हैं, और राधा रानी जिनके लिए आ करके खीर बना करके जाती है, छोटे भैया की इच्छा हुई, बड़े भैया आए हैं थोड़ा उनको खीर खिलाए। राधा रानी स्वयं आती हैं वहाँ पर, बालिका रूप धारण करते हैं, और इनके लिए खीर बना करके उनको खीर खिला कर जाती है। ऐसे बड़े बड़े संत हो गए कि जो भजन में है ना, उन्हीं उन्हीं संतों का नाम को लेकर यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। हे संत लोग सब हमारे ऊपर में कृपा करो, क्योंकि आपके हृदय में ठाकुर जी बैठे हुए हैं, अगर आप कृपा कर दोगे ना
ठाकुर तो अपने आप हमारे ऊपर में अपने आप कृपा कर देंगे। ये इतनी अच्छी अच्छी भजन है बंगला में, जो भजन है ना बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी मीठी मीठी भजन है। कैसे ठाकुर जी के हमारे ऊपर में कृपा हो, जो हिंदी भजन में नाच गा लिए बस खत्म, हम भी खत्म और भजन भजन भी खत्म। लेकिन ये जो भजन है ये बड़े भावात्मक भजन है, ये बड़ी भावात्मक भजन है, इसलिए ये भजन गाने से ठाकुर जी जरूर प्रार्थना ठाकुर जी सुनते हैं, ठीक है ना। इसलिए अभी ये सब भजन गा रहे थे, अभी हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने जो श्री 8 जो श्लोक उन्होंने बताए थे, कल हम लोग ने पहला श्लोक सुना था, पहला नंबर श्लोक सुना था, आज ये अभी हम लोग दूसरे नंबर श्लोक सुनते भजन गा लेते रात जाएंगे। आज ये प्रभु जी आपको दूसरे नंबर का भजन सुनाएंगे महाप्रभु, उसमें क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं महाप्रभु। तुम क्या करने पर तुम मेरे पास में आ सकते हो, क्या करोगे तो बोलो वृंदावन तुम आ सकते हो, वो श्लोक में बहुत अच्छी बात बताएंगे। जय Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
नमो विष्णु पदाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी की नामिने। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पे कृपा करें ताकि हम अपने भक्ति भजन साधन में आगे बढ़ पाए, शुद्ध भक्ति को समझ पाए। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें ताकि हम भक्ति भजन साधन में आगे बढ़ पाए, शुद्ध भक्ति की धारा को समझ पाए। गत कुछ दिनों से महाराज जी ने एक प्रसंग शुरू किया हुआ है, बताया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण जो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, उन्होंने क्या किया कि सारे शास्त्रों का सार 8 श्लोकों के रूप में स्वयं देके चले, वो स्वयं देके गए हैं। ये 8 श्लोक उन्होंने खुद ही बना के दिए हैं और इस 8 श्लोकों में एक तरीके से पूरे शास्त्रों का सार दे दिया। पहला श्लोक हमने सुना, अब जो दूसरा श्लोक है इसको क्या कहा गया, महाप्रभु का शिक्षाष्टक की शिक्षा दी उन्होंने, और अष्टक मतलब 8, तो 8 श्लोकों में पूरी शिक्षा। दूसरा श्लोक है नाम नाम कारी बहुदा निज सर्वशक्ति सत्ता अर्पिता नियमित स्मरणे न काला एतादशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्दे मही दिशम महाजनी नाना रूपागा। इसमें महाप्रभु ये कह रहे हैं, जैसे महाराज जी ने कहा कि क्या एक जीव को करना पड़ेगा कि वो भगवान तक पहुंच पाए या समझ पाए क्या है, तो सबसे पहले समझेंगे कि जीव की स्थिति क्या है और युग कौन सा चल रहा है। हम कौन से युग में है, कलियुग। कलियुग को क्या कहा गया कि दोषों का युग। भागवतम में क्या कह रहे हैं, दोषों का युग है। दोषों का युग करने का मतलब क्या है कि एक जीव अपने साथ उसके अंदर खुद के अंदर दोष है और उसके, जैसे हम देख रहे हैं संसार में लोग क्या है, दोषी दोष है। हम भी देखते हैं अरे इसके अंदर ये है, वो हमारे अंदर देख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, एक तो ये खाली जीव के अंदर दोष नहीं है, हमारे शरीर देखो, हमारा शरीर भी तो कितना दूषित है, वातावरण कितना दूषित हो गया, वातावरण संस्कार सभ्यता हर चीज में दोष आ गया। तो ऐसे युग में कैसे जीव आगे बढ़ पाएगा, भक्ति भजन साधन इतनी शुद्ध वस्तु कैसे कर पाएगा। हम दिल्ली में देखते हैं लोग दो दो हाथ से खाना खा रहे हैं, 4 हाथ दिए होते तो 4 से खा लेते, कोई नाखून काट रहा है, कोई कुछ खा रहा है, मतलब उंगली मुंह में डाल के रखेंगे, नाक में उंगली डाल लेंगे, कान में मुंह में डाल लेंगे, मतलब समझ में आ रहा है कि हम शुद्धता से नहीं रह पा रहे, शुद्ध तरीके से नहीं रह पा रहे हैं। तो ऐसे अशुद्ध वातावरण में हम भगवान की सेवा कैसे करें, गुरु वैष्णव की सेवा कैसे करें। तब भगवान ने देखा कि कलयुग का व्यक्ति, एक तो देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, आयु कम होती जा रही है। सतयुग में आयु क्या थी, 1,00,000 वर्ष, त्रेता में 10,000, हजार द्वापर में, और यहाँ पे 100 भी है क्या, 100 भी नहीं कह पा रहे, ठीक है आयु कम हो गई। बुद्धि देखो कितनी कम है। कल शाम को महाराज जी ने क्या बोला था वही भूल गए होंगे। अरे वो प्रभु जी ने जैसे कथा में बताया कितनी सुंदर बात, फ्रिज में गए फ्रिज खोला भूल गए क्या लेने आए थे। इतनी तो हमारी याददाश्त ऐसी होगी, तो ऐसी गति होगी और समझने की भी शक्ति थोड़ी सी खत्म होती जा रही है, याद नहीं रहता है, तो बुद्धि भी स्तर खत्म होता जा रहा है। इतना पढ़ना पड़ता, रटते हैं तब जाके कुछ याद होता है, शास्त्र समझ ही नहीं पा रहे, ठीक है गुरुदेव की बात भी समझ में नहीं आती इतनी जल्दी, और गुरुदेव भी देखो इतने दयालु, बार बार समझाए जा रहे हैं
फिर भी समझने में दिक्कत हो रही है, तो ये क्या, ये कलयुग के व्यक्ति का जीव का दोष दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने क्या किया, महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो भगवान ने क्या किया, इस कलयुग में एक ऐसा अवतार लिया, एक ऐसा अवतार लिया जो जीव का कल्याण आराम से कर सकता है। वो क्या है, नाम रूप में आ गया। क्या है, नाम रूप में आ गया, भगवान अपने नाम रूप में अवतार लिया। तो कलयुग में भगवान का एक स्पेशल अवतार, वो क्या है, नाम अवतार। अब स्पेशल क्यों है, कहते हैं महाप्रभु बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, जितनी अपनी शक्तियां हैं सारी की सारी वो इस नाम में डाल दी। क्या डाल दी, अपनी सारी शक्तियां इस नाम में डाल दी हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो वो साक्षात रूप में आके खुद कर देंगे वो नाम में भी आराम से कर देंगे। अभी जैसे कह रहे हैं ना महाराज जी की, वो संत ऐसे थे कि भगवान उनकी उनको उनके दर्शन करने आते थे, उनसे बात करने आते थे, पर हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा, पर फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि क्या किया, ले तू मैं नाम रूप में तेरे पास आ रहा हूं। क्यों आए, इसका बहुत सुंदर रीजन, बहुत अच्छा कारण है। आप खुद सोचो, भगवान की सेवा करने के लिए, विग्रह की भी सेवा करने के लिए आपकी अवस्था कैसी होनी चाहिए, कुछ नियम पालन तो करने पड़ेंगे ना, कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे, जैसे नहा धोके तिलक करके, ठीक है, मंत्रों से भगवान को जगाएंगे, मंत्रों से हर शंख घंटा जल ये फूल सब शुद्धि करेंगे, ठीक है, नियम है ऐसे शुद्धि करा, फिर बड़े अच्छे से भोग बनाया, भाव से भोग बनाया, शुद्ध पानी शुद्ध ये सब, हम क्या सोचते हैं हर चीज फ्रेश, ये सब करके फिर हम भगवान को भोग लगाते हैं, बड़े नियम है भोग लगाने का, मंत्र ये वो, ठीक है, इतना सब कुछ, क्या कलयुग का जीव इतना कर पाएगा। हम फिर भी महाराज जी की कृपा से हम फिर भी वो कह रहे हैं कि करो, ठीक है, गुरु आज्ञा से कर रहे हैं, फिर भी कुछ फल हमें मिल रहा है, पर अगर वैसे देखा जाए क्या हम कर सकते हैं इतना सब कुछ, इतना सब कुछ कर पाएंगे, मंत्र ही नहीं याद होगा, कभी कुछ भूल जाएंगे, कभी किधर, कभी कभी तो भोग लगा के आए बाद में जाके देखो अरे बांसुरी हटाना भूल गए थे, बांसुरी हटाना ही भूल गए ठाकुर जी की जल्दबाजी में इतने। तो कलयुग का जीव ऐसा है, तो भगवान ने इसलिए कहा कि देखो तुम्हें ऐसी चीज दे रहा हूं, कोई नियम नहीं, जब कोई भी नियम नहीं, कैसा नियम, अब भगवान को भोग लगाना है, आप चले गए मार्केट या किसी फंक्शन में, रात के बज गए हैं 11, क्या भोग लगाओगे, खुद को लग रही है भूख तो क्या करोगे भाई, बनाएंगे पर क्या करें, भोग नहीं लगा सकते, मानसिक कर लेंगे वो कर लेंगे, पर भगवान ने ये नाम का जो प्रावधान रखा इसमें रखा कि कभी भी कर लो, कभी भी कर लो। ठाकुर जी की आरती कब कर सकते हो, रात को 12 बजे कर सकते हैं, पर नाम 12 बजे कर सकते हैं, 1 बजे कर सकते हैं, बिना नहाए कर सकते हैं, बिना ब्रश किए कर सकते हैं, तभी क्या कहा कि नाम मुख पे हर समय नाम चलता ही रहना चाहिए। और क्या दिखाया महाप्रभु, क्या कह रहे हैं कि फिर भी इतना सब कुछ भगवान किसके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए। एक माँ क्या करती है अपने बच्चे के लिए, क्या नहीं करती, रात भर जगती है, ठीक है, सुसु पॉटी जो करता रहता है उसकी सफाई करती रहती है, पर फिर भी कुछ ज्यादा कर दे तो थोड़ा सा थक जाती है और भूत सर पकड़ लेती है, हे भगवान कैसे आ गया। पर सोचो इससे भी ज्यादा कृपालु क्या है, करोड़ों करोड़ों माओं का क्या है मिला के क्या बने हैं, गुरु। और ये गुरु भी क्या है, गुरुदेव भी कौन है, उन्हीं कृष्ण के हृदय में जो कृपा है ना वो बाहर निकलती है और गुरु रूप के लेके आपके सामने आ जाती है। तो सोचो ऐसे कृपालु भगवान कैसे हैं, वो फिर भी तैयार बैठे हैं कि कैसे मैं इस जीव को शुद्ध कर दूं। क्यों, क्योंकि भगवान, अब एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपके घर का जो खास होता है, मेहमान नहीं कह सकते क्योंकि वो घर का खास है, वो आता है, जैसे मान लो हमारे भाई आ गया छोटा या कुछ भी आ गया, चाहे घर अलग हो गए हो पर वो एक ही घर है, हम कहते हैं ना हम एक ही घर है भाई, अलग नहीं है, अलग रह रहे हैं पर एक नहीं है। अब जैसे वो आया, उसने क्या देखा, अरे ये चेयर पे कपड़े फैले हुए हैं, कहाँ बैठूंगा, वो कपड़े उठा के साइड में रख देता है, पानी पीने अपने आप जाता है, फ्रिज खोलता है पानी पी लेता, देखता अरे पानी ही नहीं है फ्रिज में, अभी तो ठंड का समय है, चलो गर्मी के समय में आया,
वो पानी भर के भी ना आरओ से बोतलें उसमें लगा देगा, तो क्या है वो घर का ही है, वो आके आपके घर के खुद ही काम करके और खुद ही उसको खुद चाहिए असली में वो चीज, क्या पानी खुद चाहिए, बैठने की जगह खुद चाहिए, सफाई खुद चाहिए, पर वो खुद करके ये सब कुछ बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है। तो भगवान कैसे हैं, ये नाम कैसा है, क्या अभी हमारा मन शुद्ध है? कई लोग हमें कहते हैं हम तो मनी मन कर लेंगे, तो क्या है ऐसा मन शुद्ध है हमारा, क्या हमें हमेशा भगवान का नाम याद आ रहा है? नहीं, क्योंकि मन में क्या है, कामनाएं वासनाएं बैठी हुई हैं, ये कामना वो कामना, ये करना वो करना, सारी टेंशन डिप्रेशन सब हमने मन में, इन सब चीजों से अपने मन को क्या कर रखा है, गंदा कर रखा है। पर फिर देखो भगवान कितने दयालु कृपालु हैं, भगवान कहते हैं चलो इस मुख से इस नाम को लो, कान से सुन लो, आंख से हम पढ़ रहे हैं नाम, ये नाम अंदर जाता है। और जो पहला श्लोक था ना चेतो दर्पण मार्जन, जो महाराज जी बता रहे थे कि हमारे चित्त रूपी दर्पण का हमें सफाई करनी है, तो ये नाम क्या कर रहा है, मतलब सो तो नाम क्या, साक्षात भगवान ही है, ये अंदर जाके खुद ही सफाई कर रहे हैं और खुद ही बैठ रहे हैं। तो ना हमें हमें क्या करना पड़ रहा है, बस बस नाम लेना पड़ रहा है। अगर हम कीर्तन में क्यों बैठते हैं, ताकि हम उस कीर्तन में भगवान का नाम श्रवण करें, भगवान का नाम कान से जाएगा हृदय में जाएगा और खुद ही उस हृदय को साफ करेगा, क्योंकि हमारे अंदर भी इतनी शक्ति नहीं है। और भगवान ने नाम में, नाम और नामी क्या अभिन्न है, उन्होंने क्या कर दिया, पूर्ण शक्तिमान है वो नाम, और वो अंदर जाके पूरी सफाई कर रहा, हमारी खुद हमारी सारी सफाई कर रहा। देखना जब स्वामी महाराज जी श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, जब ये अमेरिका गए ना, वहां पे स्थिति क्या थी, ऐसे ऐसे बच्चे, इतने इतने उम्र के बच्चे ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, और बस सारा दिन पी के खाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, महाराज जी बताते ना दुकानें तोड़ देते थे, लूटपाट कर लेते थे, गवर्नमेंट परेशान हो गई थी कि इन लोगों का क्या करें, इन लोगों ने तो पूरा क्या कर रखा है, देश का सत्यानाश कर रखा है, ये नौजवान पीढ़ी अगर हमारी ऐसी जा रही है आगे क्या होगा। तब स्वामी महाराज जी वहां पहुंचे ऐसे समय पे, और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो एक मैदान में बैठ के करताल लेके सिंपल ये हरे कृष्ण महामंत्र करते रहते थे। और ये महामंत्र में ऐसा आकर्षण, क्योंकि कान से पहले उनके हृदय में गया, उन हिप्पियों के, उन जो उन्होंने नशा कर रखा है उनके कान, बस उन्होंने सुना, सुनते ही जैसे ही अंदर गया ना सफाई शुरू कर दी नाम ने, धीरे धीरे आने लग गए, ये क्या है, नाच रहे हैं कूद रहे हैं और फिर मजाक में कर रहे हैं, वो तो कहते हैं ना जैसे मजे में कर रहे हैं, मजे में कर रहे हैं पर मुख से नाम ले रहे हैं। उस नाम ने फिर भी अपना असर दिखाया, कैसे असर दिखाया, अगर एक अनजान व्यक्ति दूध भरा रखा है एक गिलास में और वैसा ही एक जहर भरा रखा है, अगर वो दूध की जगह जहर उठा के पी ले तो जहर नहीं मारेगा ना उसको, ठीक है, भाई बेचारा अनजान है, इसको पता ही नहीं था कि मैं जहर हूं, चल इसको छोड़ देता हूँ, छोड़ देगा जहर, नहीं छोड़ेगा ना। ऐसे ही भगवान का नाम है, उससे भी खतरनाक है, कैसे, बस सुन लिया, किसी ने सुना है अभी केवल, उसको पता भी नहीं है कि भगवान का नाम है। उन लोगों को पता था, हिप्पियों को यह भगवान का नाम है, बिल्कुल भी नहीं पता था, उन्होंने सुना और भगवान ने, भगवान के नाम ने जो शक्तियां भरी पड़ी हैं उसने तो अपना काम करना ही करना है। उन हिप्पियों को, आज की डेट में उन हिप्पी में से कुछ अभी भी हैं, कुछ सन्यासी हैं, हमारी एक दीदी हैं 92 साल की हैं, जिन्होंने सेवा कुंज ये सब पेंटिंगें बनाई हैं गुरुदेव के, जो फोटो दिख रहे हैं ना, उन्होंने बनाई है, ये सेवा कुंज का जो फोटो है और जो सखियों का जो फोटो देखते हैं ना, किसने बनाया, और वो देखो फटो इतने प्रसिद्ध हो गया, ये इतने प्रसिद्ध हो गया
पूरा विश्व ब्रह्मांड भी इससे चली गई। ये घर घर में अभी इसको घर घर में अभी ये पूजा हो रही है। वही माता जी बनाई जिसने पहले सब पी पा करके सब पड़ी रहती थी, सबके सब नशे में पड़े रहते थे और परिवर्तन कहीं से हुई, केवल ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, केवल इसी हरि नाम से ये सबके सब सुधर गए। इसलिए आप लोग भी अगर ये हरि नाम करेंगे ठीक है ना, इसलिए सवेरे उठ कर क्या करनी, सवेरे उठ कर सबसे पहले हरि की नाम लेना, पहले माला जप करनी चाहिए, करोड़ों काम को पीछे रख करके अपना हरि नाम को सबसे पहले करनी चाहिए और सबसे सब तिलक लगाना ठीक है ना। तिलक की बड़ी महत्व है, तिलक के बगैर हम कोई शुभ काम, तिलक के बगैर कोई शुभ काम नहीं कर सकते। जिस घर में ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आएगा, जब तक देखना तिलक नहीं लगाएगा आपको कोई पूजा नहीं करेगा। इसका मतलब अगर आपने तिलक नहीं लगाया तो आप कोई भी घर की शुभ काम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ये तिलक लगा है, और जो तिलक है गोपियों की चरण धूलि, ये कोई साधारण वस्तु नहीं। जिस चरण धूलि को कृष्ण को देखना उसी तिलक में, ये गोपियों की चरण धूलि में तिलक लगाते हैं। राम को देख लेना, हनुमान जी को देखना, नारायण को देखना, जो तिलक है ना इसे गोपियों की चरण धूलि से, क्योंकि नारद जी ये धूल को लेकर के ब्रज से द्वारका गए थे, द्वारका में भगवान स्नान की, इसलिए जिसका नाम गोपी तालाब अभी है वहीं से ये मिट्टी आती है। ये मिट्टी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, भगवान भी जिसमें स्नान करते हैं, ठाकुर भी जो तिलक लगाते हैं ठीक है ना। इसलिए जरूर तिलक धारण करना, तिलक धारण किए बगैर कोई पवित्र वस्तु हम कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए तिलक को रक्षा कवच बताया, जैसे करने का शरीर में कवच होता था, जब तक कवच होगा उसको कोई दुनिया में नहीं मार सकते। इसलिए माँ यशोदा कृष्ण को आज हम सुनेंगे, माँ यशोदा कृष्ण को ये तिलक लगाया करते थे जब पुतना आदि, बोले मैं लाला की ललाट को केशव देव रखा करी, तिलक का नाम केशव देव, हम बारह जगह पर उधर में नारायण वख्य माधव कंठ गोविंद दक्षिण पार्श विष्णव मधुसूदन त्रिविक्रम वामनाय धराय ऋषिकेश दामोदर पद्मनाभ, ये बारह जगह पर भगवान हमारी बारह जगह पर ठाकुर जी बैठ जाते ठीक है ना। सब सब तिलक जरूर लगाना, बोले यार जरूरत नहीं, सबसे पहले तिलक की जरूरत है, और कोई चीज की जरूरत नहीं हो। तिलक अगर है आपकी गले ललाट में, कभी जो तिलक दर्शन करता है पुराण में बताया, उसकी शरीर में गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सरस्वती दुर्गा गीता गायत्री सीता सबके सब उसकी शरीर निवास करता, पुराण कहता है सब देवता उसके शरीर में निवास करता है। और कहीं भी ठाकुर जी की कहीं भी किसी देवता की पक्षा भी देख लो, तिलक के बगैर किसी देवता भी नहीं है। तिलक के बगैर कोई भी आप कोई भी देवता को देखना तिलक लगाए, इंद्र चंद्र वायु वरुण ब्रह्मा देखो, शंकर जी को देखो तिलक लगाए, ठाकुर भी तिलक लगाते हैं। इसलिए ये ठाकुर का दो चरण है, उसका नीचे देखो जैसे तुलसी पत्ता होता है ना, तुलसी तल देते हैं, जैसे ठाकुर की चरण में हमने तुलसी तल दिया है, और इसको हरि मंदिर बताया। ये तिलक ऊर्ध्व कुंडल होनी चाहिए, फोटा नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं नहीं, वो तिलक का कोई महत्व नहीं। अब देखना कृष्ण को देखो, राम देखो, हनुमान को देखो, नारायण तिलक ऐसे ऊर्ध्व कुंडल मतलब हम जो ऊपर ले जाए, फोटा लगाए तो घूमते रहोगे फोटा लगाओ तो घूमते रहोगे, इसलिए फोटा वोटा नहीं लगानी चाहिए। ठाकुर जैसे हमारे लगाते हैं, जैसे हनुमान जी लगाए राम कृष्ण लगाए, हम तिलक ऊर्ध्व कुंडल जो हमें ऊपर तक ले जाए हैं। इसलिए शास्त्र में बताया तीन चार तरह का तिलक बताया है, टेढ़ा नहीं लगानी चाहिए, ऐसे नहीं लगानी चाहिए, बूंद नहीं लगानी चाहिए, कौन सा तिलक था क्या क्या, इसे हरिभक्ति विलास में उसको विस्तृत रूप में बताया, तिलक कैसे कैसे लगानी चाहिए, कितने अंगुल होने चाहिए, सब नियम बताया है। इसलिए तिलक को सीधा लगाओ ठीक है, सबके सब तिलक सीधा लगाओ, रखा कवच का काम करता है, और सबके सब हरि नाम करो, सबके सब ठाकुर जी की सवेरे उठ करके हैं, सवेरे उठ करके थोड़ा भगवान का भजन करो, माला करो, फिर दिन भर अपना ठाकुर को काम ठाकुर का सेवा मान करके अपना काम को करते रहो, दिन भर ठाकुर को सेवा मान कर काम करो, लेकिन सवेरे उठ करके सारे काम को छोड़कर हरि नाम करो। देखो ये दो लड़की विदेश से आई, अब पूछो कितने बजे उठती है, चार बजे लोग उठ जाती हैं, हमने कहा यहाँ पर 7:30 बजे आ रही थी, बोले इतना लेट में
क्योंकि हमारे मंदिर में आरती होती है ना 4:30 बजे 5 बजे आरती हो जाती है, मंदिर में आरती होती है और एक घंटा बैठ करके हरिनाम करते हैं, हैं? फिर उसके बाद में कीर्तन होता है, सत्संग होते हैं वहाँ पर, ये लोग सत्संग सुन के रहती हैं, सब भजन सुन के रहती हैं। इनको आज ये लड़की कथा सुनाएगी, कथा में इसलिए हम लोग जैसे हम हिंदू, हमें कोई गीता के श्लोक याद नहीं, इनको पूछो सब गीता सब सुना देंगे, सारी गीता हमें सुना देंगे, इसलिए सारे पुराण भागवत रामायण इनको सब याद है, सब सब इन लोगों को सारे हमारे बच्चों को सब याद नहीं रहती है, हमारे बच्चों को तो कौन फिल्म का एक्टर कौन कौन प्लेयर का क्या नाम है ये दुनिया की इधर उधर की बात सब हमारे बच्चों की याद, लेकिन कोई गीता भागवत की कोई श्लोक हमें याद नहीं, लेकिन ये लोग इसकी महत्व समझ करके ये लोग उसमें लगे हुए, भाई भैया शांति तो इसमें सुख तो इसमें ही, शांति सुख इसमें ही, और दुनिया में तभी तो इतने पैसा खर्चा करके यहाँ आते हैं, हैं उनको देश में देखिए कभी कभी इधर आकर परेशानी हो जाते हैं, बोले क्यों, बोले कारण है उन इनके देश में है तो बर्फ पड़ता है लेकिन जो घर का जो सिस्टम अलग है, -20, -30, -40 इतने इनके देश में गर्मी ठंडा है, इतने ऊंचा बर्फ, लेकिन घर में इनका जो सिस्टम है ना एकदम गर्म पानी एकदम चार तरफ में चलती रहती है पाइप में, इसलिए घर अंदर में लगेगा नहीं जैसे बाहर इतना ठंडा है, एकदम घर एसी जैसे बढ़िया एकदम है, लेकिन इसलिए ये लोग इधर आकर के भी परेशानी हो जाती, इतने ठंडा बाहर ठंडा भीतर ठंडा परेशानी हो जाती है। एक अमेरिका से एक माता जी आई, वो बोल रही थी आज आएगी यहाँ पर, अमेरिका से वो आई, इधर आकर के बीमारी में पड़ी, वो बीमारी में क्योंकि इधर बाहर भी ठंडा भीतर भी ठंडा, बोले आते ही एक दिन दो दिन में मेरे को ठंडा लग गया, वो यहाँ आना चाह रहे थे देखो क्या करती है, बोले मेरे को ठंडा में पड़ गए, उनको देश में हर चीज़ की सुविधा खाने पीने हर चीज़, लेकिन इतने सुख छोड़कर इधर क्यों आते हैं, कहती जो शरीर हम जो उधर का जो चीज़ है ना ये शरीर का सुख है, लेकिन शरीर का सुख से जीव सुखी नहीं रह सकती है, जैसे बताया ना एक पिंजरा बनाए उसके अंदर में एक तोता, अगर दिन भर अगर पिंजरा को रंग करते रहो तोता जिंदा रहेगी, अगर तोता को खाना खिलाओ, हम भी यही कर रहे हैं, ये शरीर कैसे बढ़िया खिलाए, शरीर कैसे देखे, इसको ही ड्रेसिंग करे, इसको खिलाए, लेकिन अंदर में जो तोता बैठे ना उसको प्रति हमारा कोई ध्यान है नहीं, वो तोता तो मर जाएगी बिना खाने के लिए, इसलिए ये आत्मा की जो असली आहार है भगवान की नाम, ठाकुर जी की नाम है, ठीक है ना, सबके सब हरि नाम जप करना, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, हिताई गौर ब्रह्मानंद की हरि, ठीक है, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण